हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में, जो कि है सबरीमाला एंट्री टेंपल केस। दोस्तों, इस पूरी वीडियो सीरीज में मैं करीब 5 वीडियोस बनाऊंगा, जिसकी ये पहली वीडियो है। मैं इसके अंदर सबरीमाला इशू से रिलेटेड जितने भी केसेज हुए हैं, जो भी रिलेटेड हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो अभी रिसेंटली 7 जजेस बेंच बनी है, उसके अंदर क्या लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स हुई है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को भी देखिए और इसके बाद हमारे चैनल को लाइक करिए और आगे फर्दर अपडेट्स के लिए उसको सब्सक्राइब भी करिए। चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। इस केस के अंदर एक 5 जजेस बेंच थी, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस मिश्रा, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस नरेमन, जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इस केस के अंदर कोर्ट ने सबरीमाला टेम्पल के अंदर जो एक कस्टम था कि वो मेंस्ट्रुइंग ईयर्स के अंदर जो वुमेन थी, उनकी जो एंट्री को उन्होंने प्रोहिबिट करा था, उन्होंने उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। उस पूरी प्रैक्टिस को उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। अब इस केस के फैक्ट्स की तरफ आते हैं। जो सबरीमाला टेम्पल है दोस्तों, वो लॉर्ड अयप्पा का है, उनका एक तरीके से घर माना जाता है। जो लॉर्ड अयप्पा है वो एक सेलिब्रेट भगवान माने जाते हैं, जो कि लोकेटेड है पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पड़ता है। इसके अंदर जो वुमेन की एंट्री थी, ऐसी वुमेन जो कि 10 से 50 साल के बीच में थी, जिनको कि हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुइंग ईयर्स के जो बीच में थी, उनको टेंपल ग्राउंड्स में बेसिकली आने की इजाजत नहीं थी वर्शिप करने के लिए। यहाँ पे 2006 में इंडिया यंग्स लॉ एसोसिएशन ने एक PIL फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबरीमाला के अंदर जो ये कस्टम चल रहा था उसको चैलेंज करते हुए कि वहाँ पे वुमेन को एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है। एसोसिएशन ने ये कहा कि जो कस्टम है, ये राइट टू इक्वालिटी को अंडर आर्टिकल 14 और राइट टू रिलीजन को अंडर आर्टिकल 25 जो है वायलेट करता है फीमेल वर्शिपर्स के लिए। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि जो टेंपल के प्रीस्ट हैं, उनके पास फाइनल अथॉरिटी है इस मैटर के अंदर। श्रावण कोर्ट देवस्वम बोर्ड जो था, वो वहां पे लीगल अथॉरिटी था, जो कि सबरीमाला टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता था। आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये गारंटी करता है कि जितने भी रिलीजियस डोमिनोमिनेशंस हैं, उनके पास ये राइट है कि वो जैसे चाहें अपने टेंपल के इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स को वो लोग मैनेज कर सकते हैं, जो बंदा भी टेंपल चला रहा है। फर्दर मोर, सबरीमाला में जो कस्टम था वो रूल 3B ऑफ द केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑथराइजेशन एंट्री रूल्स 1956 के अंदर बेसिकली उसको प्रोटेक्ट किया गया था, जिसको कि पब्लिक वर्शिप रूल्स भी बोला जाता है। जो ये रूल था, ये अलाउ करता था वुमेन को पब्लिक प्लेस के अंदर रोकने से, इनको एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। अब 1991 में ये हुआ था कि ये जो पूरी चीज थी, इस एक्सक्लूजन को केरला हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था इन द केस ऑफ एस महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी तरतावन कोर्ट में। कोर्ट ने यहाँ पे ये रूलिंग दी थी कि जो पूरा चीज है, ये एक्सक्लूजन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है और बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक पर्टिकुलर चीज है, ये एक लॉन्ग स्टैंडर्ड कस्टम का पार्ट है, जो कि टाइम मेमोरियल से चलता चला आ रहा है, जो कि एक वैलिड कस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसके बाद 18 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने जितने पार्टीज थी उनको नोटिस इशू करा, फिर 2008 में फिर इस मैटर को 3 जजेस बेंच के पास भेजा गया, फिर 11 साल बाद इस चीज़ को लिया गया परव्यू के अंदर 2016 में, फिर 20 फरवरी 2017 को कोर्ट ने ये एक्सप्रेस करा कि इस केस को हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजना चाहिए। और फिर फाइनली 13 अक्टूबर 2017 को ये केस जस्टिस दीपक मिश्रा और बाकी जितने भी आपके जस्टिसेस थे, उन्होंने ये ऑर्डर करा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा जाए। 3 जजेस बेंच ने ये चीज ऑर्डर की थी और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेसिकली फॉर्म हुई। इस केस के अंदर 4:1 के मेजोरिटी से सबरीमाला एक्सक्लूजन रूल्स को जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में बताया गया और जो सेक्शन 3B था उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इसके अंदर मोर देन 50 रिव्यू पिटीशंस पड़ी हैं, जो कि इस जजमेंट के बाद आई हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल अयप्पा डिवोटीज वुमेन एसोसिएशन भी शामिल है, नायर सर्विस सोसाइटी भी शामिल है, ऑल केरला ब्राह्मण एसोसिएशन भी शामिल है। इसके अंदर जो रिव्यू पिटीशन है, इसके अंदर कोर्ट को यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये जो जितने भी ओवर आंशिक क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे या फिर जो कस्टम्स हैं एक पर्टिकुलर टेम्पल की उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, इस चीज़ पर जो है उसको यहाँ पे डिसाइड करना है, जो कि अभी मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद चलिए इस पूरे केस के इश्यूज के ऊपर आते हैं। तो जो पहला इशू था वो ये था कि वेदर द एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल जो है वो क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड था, जिसके हिसाब से
आपने विमेन जेंडर को एक्सक्लूड करा जो कि डिस्क्रिमिनेशन को अमाउंट करता है, और क्या ये जो प्रैक्टिस थी ये आर्टिकल 14, 15 या 17 को वायलेट करती है। इसके बाद दूसरा जो था उसमें ये था कि क्या सबरीमाला टेम्पल एक डिनोमिनेशनल कैरेक्टर का है, कि क्या मतलब वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता एज अ ओन एंटिटी। उसके बाद तीसरा इशू ये है कि क्या रूल 3 ऑफ द जो वर्शिप्स एक्ट है, क्या उसके अंदर जो रिलीजियस डोमिनेशन है जो कि वुमेन के एंट्री को बैन करता है, क्या वो चीज़ बेसिकली वैलिड है जो पर्टिकुलर रूल है, और क्या वो आर्टिकल 14 और 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कि उनके उस पर्टिकुलर ग्राउंड पर वायलेट हो रहा है। फिर उसके बाद चौथा इशू है वो ये है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25 के अंदर आती है या फिर नहीं आती है, कि क्या एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये क्लेम एजर्ट कर सकता है कि उसके पास ये राइट है कि वो अपने मैटर्स को जैसे चाहे वैसे मतलब चला सकता है, और इसके अंदर मतलब कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों अब इस केस के जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो 28 सितंबर 2018 को कोर्ट ने इस केस में 4:1 की मेजोरिटी से ये हेल्ड करा कि जो टेम्पल की प्रैक्टिस है वुमेन को एक्सक्लूड करने की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रैक्टिस है वो वुमेन का फंडामेंटल राइट वायलेट करती है। चलिए दोस्तों अब इस केस के जजमेंट के बारे में बात करते हैं। 28 सितंबर 2018 को कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला 4:1 की मेजोरिटी से कि जो टेम्पल की प्रैक्टिस है वुमेन को एक्सक्लूड करने की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रैक्टिस वुमेन के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करती है जो कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। कोर्ट ने रूल 3 क्लॉज बी ऑफ द केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिपिंग एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और जिसमें रूल 3 बी था वो बेसिकली किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्रोल करती है उनको ये अलाउ करता था कि वो वुमेन को एक्सक्लूड कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस से अगर वो एक्सक्लूजन बेस्ड है किसी कस्टम के ऊपर जो कि बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। इस पर्टिकुलर जजमेंट के बेसिकली 4 सेपरेट ओपिनियंस हैं जिसमें जस्टिस मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस मल्होत्रा के अलग अलग जज वो हैं ओपिनियंस हैं। इसके अंदर जस्टिस नरीमन और चंद्रचूड ने कंकरिंग ओपिनियंस दी हैं जस्टिस मिश्रा के साथ, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा का यहाँ पे एक डिसेंटिंग ओपिनियन है। अब चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जस्टिस मिश्रा के ओपिनियन के बारे में। जस्टिस मिश्रा ने यहाँ पर अपने और जस्टिस खानविलकर के बिहाफ पे ये कहा कि जो रिलीजन है वो एक वे ऑफ लाइफ है जो कि इंट्रेंसिकली एक इंसान की डिग्निटी से रिलेटेड होता है, और ऐसी जो पेट्रियारिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को एक्सक्लूड करती हैं दूसरे से, कि वो अपने फ्रीडम जो उनका फंडामेंटल फ्रीडम है प्रैक्टिस करने का या प्रोफेस करने का अपने रिलीजन का, उनको आप अलाउ नहीं कर सकते एग्जिस्ट करने के लिए। उन्होंने ये स्टेट करा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन है बिटवीन द एजेस ऑफ 10 एंड 50 ये बेसिकली सबरीमाला के अंदर प्रैक्टिस हो रही थी, इसने पूरी तरीके से वुमेन की राइट टू वर्शिप को डिन्यूट करके रखा हुआ है जो कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस चीज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता फर्दर। उन्होंने आगे ये बोला कि जो डिवोटीज थे लॉर्ड अयप्पा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट नहीं पास किया था एक पर्टिकुलर ये साबित करने के लिए कि लॉर्ड अयप्पा एक रिलीजियस आइडेंटिटी है एज सच। उन्होंने कहा कि वो सबके सब जितने भी वहाँ पे डिवोटीज हैं या फिर जो टेम्पल है वो सब हिंदूज हैं। उन्होंने दस ये कहा कि जो टेम्पल का डिनोमिनेशनल राइट है कि वो अपने खुद के जो इंटरनल अफेयर्स उनको मैनेज कर सके वो आर्टिकल 26 क्लॉज बी के सब्जेक्ट में आता है, जिसमें कि ये स्टेट किया जाता है कि जो सोशल रिफॉर्म है पर्टिकुलर स्टेट का जो कि राज्य है उसका, वो ये मैंडेट करेगा कि वो अपने अफेयर्स को कैसे चला सकता है अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 2 बी। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 बी ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है जो राज्य है जिसके अंदर वो टेम्पल है वो ये ऐसे लॉज बनाएगा कि हिंदू डिनोमिनेशंस कैसे किसी क्लास या सेक्शंस ऑफ हिंदूज के साथ किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन को खोलेगा, किस तरीके से उनको काम करेगा। जस्टिस मिश्रा ने यहाँ पे कहा कि जो क्लासेस एंड सेक्शन है जिसमें कि आप जेंडर्ड कैटेगरी ऑफ वुमेन की बात करते हैं जिसमें इसको इंक्लूड किया गया है वो एक तरीके से जो है गलत है, और उन्होंने ये कहा कि जो सबरीमाला कस्टम है उसको जो उन्होंने वुमेन को एक्सक्लूड किया है वो सब्जेक्ट टू स्टेट मैंडेटेड रिफॉर्म है, और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फर्दर ये हेल्ड करा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन बिटवीन 10 टू 50 है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो अयप्पन्स हैं वो हिंदूज हैं
और उनका जो प्रैक्टिस है विमेन को एक तरीके से हटाने का, वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हिंदू रिलीजन के पार्ट है। उन्होंने रूल 3B ऑफ द केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसको उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक डाउन करा। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, और सेक्शन 3 और 4 ऑफ द पेरेंट एक्ट है उसके भी ये वायलेशन में है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट जो थे वो इस एम के साथ लिखे गए थे कि जो हिंदू प्लेसेस हैं वो हर बेसिकली सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए ओपन रहे। जो रूल 3B था वो उसका अपोजिट कहीं ना कहीं अचीव करता था, जो कि वो अलाउ करता था हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप को विमेन को एक्सक्लूड करने पे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम। हैं CGI मिश्रा ने ये कंक्लूड करा कि जो ये रूल है ये एक तरीके से पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, और ये जो है जो पेरेंट एक्ट का इंटेंशन था उसके साथ भी कंफ्लिक्ट में था, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट का इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो वो होते हैं डिस्क्रिमिनेशन इसको हटाने का था। अब उसके बाद बात करते हैं जस्टिस नरीमन के ओपिनियन के बारे में। जस्टिस नरीमन ने यहाँ पे कंकरिंग ओपिनियन दिया था जस्टिस मिश्रा के साथ, और उन्होंने ये हेल्ड करा था कि जो लॉर्ड अयप्पा है वो एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। उन्होंने उसको एक हिंदू हिंदू वर्शिप के आइडल के तौर पे उन्होंने उसको बेसिकली बताया, लेबल किया, और उन्होंने दस कहा कि जो टेम्पल था वो जो डिनोमिनेशनल फ्रीडम पाता है अंडर आर्टिकल सब्जेक्ट आर्टिकल 26 वो स्टेट के सोशल रिफॉर्म के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2B का पार्ट है। उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन है वो इफेक्टिवली एक राइट है आर्टिकल 25 के अंदर, जो कि बेसिकली अगर मान लो बेसिकली जो राइट है वुमेन का कि उनको अपनी फ्रीडम प्रोफेस करने का ये अधिकार है, और अगर हम लोग एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन कर देंगे तो फिर उनकी जो राइट है वो बेसिकली मीनिंगलेस हो जाएगी। उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज करा कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है वुमेन की फ्रॉम द एजेस ऑफ 10 to 50, और वो सबरीमाला टेम्पल के अंदर जा भी सकती हैं और अपने फ्रीडम ऑफ वर्शिप को भी एक्सरसाइज कर सकती है। उन्होंने ये स्टेट करा कि यहाँ पे सफिशिएंट मटेरियल है कोर्ट के पास एविडेंस के तौर पे कि वो कंक्लूड कर सके कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन है उसने आर्टिकल 25 प्लस 1 को वायलेट किया। उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड करा कि जो अयप्पन्स हैं उनका जो कस्टम है वुमेन को एक्सक्लूड करने का वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने रूल 3B जो था उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जस्टिस चंद्रचूड के ओपिनियन के बारे में। उन्होंने एक सेपरेट और कंकरिंग ओपिनियन में ये कहा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन है बिटवीन द एजेस ऑफ 10 एंड 50 वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, और ये बेसिकली जो आइडियल्स ऑफ ऑटोनॉमी लिबर्टी और डिग्निटी है उसको सबवर्ट करता है। उन्होंने ये कहा कि जो मोरालिटी कंसेप्चुलाइज है अंडर आर्टिकल 25 और 26 में वो कहीं ना कहीं ऐसा इफेक्ट नहीं रख सकती है जो कि इरोड करे फंडामेंटल राइट्स को जो कि इन आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड ने एक कंकरिंग ओपिनियन दिया जहां पे उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस नरीमन के साथ अपनी एक वो बनाई, सेम बात उन्होंने हेल्ड करी, और ये उन्होंने कहा कि जो अयप्पन्स हैं या फिर जो लॉर्ड अयप्पा को वर्शिप करने वाले जो लोग हैं वो ये जुडिशली बिल्कुल भी साबित नहीं कर पा रहे हैं और वो रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं ये कि जो पर्टिकुलर रिलीजियस एंटिटी है वो एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कि वो खुद के अपने रूल्स तय कर सके कि किस बंदे को वहां पे वर्शिप करना है किसको नहीं करना है, और इसीलिए उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फर्दर इस बात पर एम्फसाइज करा कि जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है वुमेन के जैसे कि मेंस्ट्रुएशन उनका कोई भी सिग्निफिकेंस या बेयरिंग नहीं है जो एंटाइटलमेंट्स उनको मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल स्टेटस वुमेन का उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कि वो डिनाई किया जा सके उसकी डिग्निटी को, कि इसका मगर जो मेंस्ट्रुअल स्टेटस है वो एक वुमेन को उसकी डिग्निटी डिनाई करे, और जो स्टिग्मा उसके अराउंड बना हुआ है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर उसकी कोई जगह नहीं कोई प्लेस नहीं है। उन्होंने फिर ये बोला कि उसके आगे जब उन्होंने इस बात पे डील करा कि क्या ये पर्टिकुलर चीज आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरफ बेसिकली उन्होंने बात करी। उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स थी उसके अंदर मेकर्स ने इस बात को बहुत ही डिलिबरेटली ये चूज करा है कि वो अनटचेबिलिटी को एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग ना दे। उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर मीनिंग दी गई है अनटचेबिलिटी को वो एक रिस्ट्रिक्टिव मैनर की नहीं है और उसका एक बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन और एक्सपेंसिव मैनर है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 है एक बहुत ही पावरफुल टूल है और ये गारंटी करता है कि कोई भी एक्सक्लूजन या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि किसी पर्सन को उसका राइट छीनती है कोई काम करने से या उसको किस तरीके से स्टिग्मेटाइज करती है
वो आर्टिकल 17 के अंदर इंटरचेबिलिटी के डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए, और उसको जो विभिन्न का सर एक्सक्लूजन हुआ है उसको सोशल एक्सक्लूजन के तौर पे माना जाएगा, जो कि बिल्कुल वर्स्ट काइंड का है और उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की। बेसिकली लॉर्ड अयप्पा जो कि एक सेलिब्रेट गॉड है, उनकी प्योरिटी कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएगी। इस चीज को उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा की डिसेंटिंग ओपिनियन की। यहाँ पे जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने ओपिनियन में ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एक सेकुलर पॉलिटी की है, जैसे कि इंडिया है जहां पे हार्मोनाइजेशन रिक्वायर होता है कंपीटिंग क्लेम्स का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट है उसको रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट्स को कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सके, इस चीज को उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस चीज को बिल्कुल भी रखना ही नहीं चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि जो प्रैक्टिस है या जो रैशनल है उसका कोई लॉजिक है या उसके पीछे कोई एक रीजनिंग है कि ऐसा होना क्यों चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, कि वुमेन को आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो उसके पीछे कोई मोरालिटी है या कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक जो उनको ऑस्ट्रोसाइज करे या उनको स्टिग्मेटाइज करे, उस चीज का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। उन्होंने फिर ये कहा कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन की, और देयरफॉर उन्होंने ये कहा कि वो आर्टिकल 26 क्लॉज बी के अंदर अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज करने के लिए टोटली प्रोटेक्टेड है, और वो सोशल रिफॉर्म के अंदर जो मैंडेटेड रूल्स अंडर आर्टिकल 25(2)(b) वो उसके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे जो कि हिंदू डिनोमिनेशन के होते हैं और जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। उन्होंने ये नोट करा कि जो आर्टिकल 26 है उसमें डिनोमिनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात है वो सब्जेक्ट होती है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ की। जस्टिस मल्होत्रा ने यह कहा कि जो मोरालिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि वो एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब बहुत सारे उसमें जो है फैक्शंस हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है उसको इस बात का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि बहुत तरीके के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीडम्स होती हैं, उनकी खुद की मान्यताएं होती हैं, उनके खुद के फेथ होते हैं, तो आपको उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बात को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे कम्युनिटी के फेथ को आप नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते, उस चीज को आप नहीं चेंज कर सकते। उन्होंने फर्दर ये हेल्ड करा कि जो फंडामेंटल राइट इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 में है उसको आर्टिकल 25 के थ्रू जो है आप ओवरराइड नहीं करेंगे, और जो कि ये गारंटी देता है कि जो राइट टू प्रोफेस प्रोपेगेट और उनका फेथ है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को जो है ओवरराइड नहीं करेगा, मतलब आर्टिकल 14 उसको जो है ओवरराइड नहीं करेगा, माफ करिएगा। इसमें बेसिकली ये मतलब हुआ कि जो अयप्पन्स हैं उनका ये जो बिलीफ है कि वुमेन जो है कहीं ना कहीं उनके लॉर्ड की प्योरिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है वो उनका आर्टिकल 25 के अंदर राइट है, और उसको आर्टिकल 14 के अंदर जो वुमेन का राइट है वो कहीं ना कहीं ओवरराइड नहीं कर सकता, उनका ये कहने का मतलब है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो रूल 3B है वो कहीं भी मतलब कहीं भी एक पेरेंट एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट में नहीं है, जो बेसिकली उन्होंने ये एम्फोसाइज करा कि जो रूल है इट कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन इन द केस ऑफ पब्लिक वर्शिप। पब्लिक वर्शिप के लिए उन्होंने बस एक तरीके से एक्सेप्शन है रूल 3B, और वो बेसिकली आर्टिकल 26 क्लॉज बी के साथ कंसिस्टेंट है। उन्होंने इस आर्गुमेंट को भी डिसमिस कर दिया कि जो पर्टिकुलर कस्टम है वो आर्टिकल 17 के अंदर जो अनटचेबिलिटी की बात होती है उसके अंदर आता है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 है वो पर्टेन करता है अनटचेबिलिटी के लिए और वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल का और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इन जनरल उसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो है रेफर किया गया है, और वो कहीं ना कहीं जेंडर के ऊपर नहीं अप्लाई करता है, केवल कास्ट तक वो चीज अप्लाई करेगी, जेंडर पे नहीं आएगी। जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बोला वैसे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को भी उन्होंने भी उस चीज को रेफर करा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो फाउंडर थे उनका जो इंटेंशन था अनटचेबिलिटी टर्म का जिस तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश करा वही एक तरीके से अनटचेबिलिटी के टर्म यहाँ पे उन्होंने यूज करा है, और जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी टर्म है उसका मतलब जो है केवल जेंडर तक ही एक्सटेंड होता है, मतलब नहीं होगा, और मतलब केवल कास्ट के बेसिस पे ही जो एक्सक्लूजन होता है डिवीजन होता है केवल उस पे बेस होगा, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन दी थी कहीं ना कहीं वो उससे एग्री नहीं करती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं पर्टिकुलर सबरीमाला इशू के ऊपर अभी 4 और वीडियोस बनाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, तो उस उन सारे अपडेट्स को देखने के लिए, उन वीडियोस को देखने के लिए
प्लीज हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।